अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टार्टेड माय चैनल एंड रिज्यूम्ड एक्चुअली माय चैनल। इसमें बहुत सारी होंगी बातें, इसमें बहुत सारी होंगी फन, इसमें बहुत सारी होगी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको दूंगी अपने खाने और अपने बिजनेस के हवाले से। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें मेरे चैनल को और फिर देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी कबर्ड। ओ, कितना क्लटर है यहाँ पे। ओ, और ये देखिए क्या हाल है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं जाऊंगी और इसके लिए एक रैक लेकर आते हैं, जिसमें कि मैं आपको ज़रा दूर से दिखाती हूँ उसके हालात क्या हैं। इसके लिए हम एक रैक लेकर आते हैं और ताकि उसमें शेल्व्स हों और शेल्व्स के अंदर हम इसको रख सके। तो आपने देख लिया कि मेरे कबर्ड का क्या हाल था और बस अब मैं जाती हूँ और इसके लिए कोई सस्ती सी जगह पे चलते हैं जहाँ से हमें कोई रैक मिल जाए। अगर रैक हमें ना भी मिला तो हम कोशिश करेंगे कि कोई मेटल का या लकड़ी का रैक ढूंढने की कोशिश करेंगे। ना मिला तो हम एक ऑर्डर पे हल्का फुल्का सा बनवा लेंगे बड़ी चीप प्राइस में। सो लेट्स गो। ये देखें, ये मेरे दो बॉक्सेस कल आए पड़े हैं जो कि एक 10 ounce के हमारे राउंड में हैं और रेक्टेंगल में हमारे 500 ग्राम्स का है। ये बॉक्सेस जो है हमारे खाने के काम आते हैं और वो स्वीट और चटनीज़ वगैरह के लिए, डिप्स वगैरह, बल्कि डिप्स के लिए तो इससे भी छोटे होते हैं। तो ये हमारे चटनीज़ के लिए और स्पेशली हमारे डिज़र्ट्स के लिए काम आते हैं। जब मैं आपको बनाऊँगी तो फिर आपसे शेयर भी करूँगी। सो गाइज, मैं अभी एक ओल्ड फर्नीचर शॉप पे गई हूँ। वहाँ पे रैक तो था नहीं, छोटा सा रैक था, तो मैंने जो है वो ऑर्डर दिया है और बड़ा ही रीज़नेबल तकरीबन 4 से 5,000 तक का रैक वो मुझे अच्छा सा बना देंगे। तो मैंने उनको साइज दे दिया है और जो है वो रैक मेरा बन के आ जाएगा। सो नाउ लेट्स गो टू अनदर डेस्टिनेशन। अभी आ चुके हैं यहाँ पे गीगा मॉल। इधर हम सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे और आपको भी थोड़ी थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कराएंगे। देखते क्या क्या नया है, सेल्स लगी, सेल्स में जाते हैं और चेक करके। काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैं तो कहती हूँ कि नहीं लेनी चाहिए, लेकिन खैर विंडो शॉपिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है हमें, क्योंकि हम देख रहे हैं और थोड़ा सा ये कि इंजॉयमेंट भी हो रही है और आज छुट्टी का दिन है तो रिलैक्स भी कर रहे हैं। फिर पूरा वीक मुझे काम करना होता है, सो फॉर मी इट्स गुड। रश देखें कितना ज़्यादा है, अच्छा खासा। वैसे एक बात है, जैसा वीकेंड्स पर रश होता है ना गीगा मॉल में, आज उस तरह का रश यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है आई थिंक कि लोग जो है ना अब वाकई नहीं ले सकते चीज़ें। मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे आउटफिटर्स में और आउटफिटर्स में सेल बहुत कमाल की लगी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर आएं और यहाँ पे आकर उनके शॉपिंग करें। 50% ऑफ लगा हुआ है, बड़े प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीज़ें। मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं तो ले नहीं सकती, तो मैंने कहा चलें आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब हम वापस चलते हैं घर, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और फालतू में फिरने से इंसान और ज़्यादा थक जाता है। सो लेट्स गो होम। मैं वापस आ चुकी हूँ और आपने देखा कि मेरी छोटी सी एक शॉपिंग जो है वो हो गई, लेकिन हमने बीच में कुछ वेजिटेबल्स भी ख़रीद ली क्योंकि वहाँ से आ रहे थे और वहाँ कोई सस्ता बाज़ार लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मेरी कुकिंग के लिए जो जो चीज़ें जैसे कि टमाटर, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपके डेली खाने में जो है यूज़ होती हैं, तो मैं खाने इतनी क्वांटिटी में ज़ाहरी बातें बनाती हूँ कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा कि सस्ता बाज़ार है, चलो भी ले लेते हैं यहाँ से। तो खैर हमने वो ले ली और बस थोड़ा सा हमने विंडो शॉपिंग आपके सामने की
और उसके बाद हम घर आ गए और घर आके मैं थक गई, थक के मैंने चाय पी और उसके बाद हमने खाना खाया और अब हमारे सोने का टाइम होने लगा है। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जैसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।